नमस्कार, हिन टाइम मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। मौसम की ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जिले के मौसम की जानकारी के लिए कमेंट करें। इस बार के इन राज्यों में अगले चार दिनों तक होंगी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां। उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक एक बार फिर से प्री मानसूनी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर भारत से लेकर के पूरे मैदानी राज्यों में आंधी और बारिश के साथ में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अगले दो दिनों के दौरान 16 और 17 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गरज चमक के साथ में धूलभरी आंधी और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के भी कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। ग्वालियर संभाग के जिलों में मुरैना, भिंड, अनूपपुर, डिडोरी, जबलपुर, शहडोल, मंडला, बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसी समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चलेगी। यूपी के भी दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना है। अगले 24 से 36 घंटों तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने के आसार। इसके अलावा यूपी के अन्य जिलों में तेज धूप के साथ आसमान साफ रहेगा। बिहार राज्य में भी बादल गरजने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगे दो दिनों बाद 17 और 18 मई को जमुई, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी सहित राज्य के 20 जिलों में वर्षा हो सकती है। चक्रवाती तूफान के कारण किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, भागलपुर और बांका जिले में तेज हवा के साथ वर्षा की उम्मीद है। झारखंड राज्य में भी 16 मई से लेकर 18 मई तक संथाल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसका असर कोल्हान के भी कुछ हिस्सों में भी हो सकता है। चक्रवाती तूफान मोचा के प्रभाव से भी पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में भी अलग अलग इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल और माही में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। गंगे पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गर्म हवाएं चलने की भी उम्मीद है। मौसम से जुड़ी यह जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।